लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में हमने मुख्य तौर पर एक तरीके का जो इलेक्शन का माहौल अब जिले में शुरू हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए, कमीशन की डायरेक्शंस को बताए जाने के लिए और उसके एनफोर्समेंट के लिए एक आज प्रेस ब्रीफिंग को रखा है। मुख्यतः हम 6 हेडलाइंस के तहत आज बातचीत करेंगे और कुछ सूचनाएं मैं आपको कमीशन की तरफ से भी दूंगा। पोल प्रिपेयर्डनेस हमने क्या क्या कर रखी है उसके बारे में भी हम सूचना देंगे और मैं आखिर में एक अपील आपके माध्यम से जनता से करना चाहूंगा कि मैक्सिमम वोटिंग हो। तो सबसे पहले है आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक तरीके के दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी राजनीतिक दल और उनके द्वारा जो चुने गए प्रत्याशी हैं, जिनको नामांकन जिनके द्वारा भरा गया है, वो एक तरीके के कंडक्ट का पालन जरूर करें। मुख्य तौर पर इसमें इस तरीके की बातें कही गई हैं कि कोई किसी पर कोई टीका टिप्पणी ना करे, पर्सनल लाइफ को लेकर के, उनके परिवारजनों को लेकर के किसी तरीके की कोई बातचीत या भाषा का इस्तेमाल ना करें। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या इस तरीके की जो हमारे यहाँ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल किसी भी तरीके के प्रचार प्रसार के लिए ना किया जाए। और आप क्या कर सकते हैं आचार संहिता में, आप एक दूसरे राजनीतिक दल की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं परंतु किसी भी तरीके से आप पर्सनल लेवल पर किसी एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कोई भी रैली यदि करना चाहते हैं तो कमीशन की ड्यू परमिशन लेकर के आप रैली कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जहां पर आप रैली कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जहां पर आप अपने पोस्टर्स, बैनर, फ्लैग्स या प्रचार प्रसार की सामग्री लगा सकते हैं। आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, उसका भी आप परमिशन ले सकते हैं, ऑफिस पर आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। इस तरीके के एक दिशा निर्देश हैं ताकि चुनाव का जो एक माहौल है वह शांतिपूर्वक ढंग से बना रहे और हर किसी राजनीतिक दल को या उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं जिनको टिकट मिला है वो अपनी बात कह सकते हैं। आदर्श आचार संहिता का मुख्य जो बेसिक जो स्पिरिट है जिसको हम कहते हैं वो यही है कि हर कैंडिडेट को एक बराबरी की नजरों से देखा जाए और हर किसी को प्रचार प्रसार किए जाने का बराबरी का मौका दिया जाए। ये आचार संहिता है। इस आचार संहिता की इन दिशा निर्देशों की पालना किए जाने के लिए कई तरीके की कमेटियों का गठन किया गया है, जैसे कि फ्लाइंग स्क्वाड। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 36 फ्लाइंग स्क्वाड्स, 36 फ्लाइंग स्क्वाड्स का गठन किया गया है जो कि राउंड द क्लॉक देख रहे हैं। 42 स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जिसको हम आम भाषा में पक्का नाका भी कहते हैं। 12 वीडियो सर्विलेंस टीम है, यदि कोई रैली ग्राउंड पर परमिशन लेकर के कोई सभा करता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो टीम करती है उसे VST कहा जाता है। और एक साथ में जो एक सबसे बड़ी जो टीम का गठन किया गया वो है MCMC, दैट इज मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, जिसमें हमारे पास कई सदस्य हैं। यदि कोई भी प्रत्याशी अपने पब्लिसिटी मटेरियल को छपवाना चाहता है तो उसको प्री सर्टिफाई करवाई हमारे ऑफिस से और किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को भी थोड़ी बात मुझे बात कर देना उनको तो जहां भी वो छपवाते हैं उसका मुद्रण करवाएं और डिक्लेरेशन दें कि हमने इस पर्टिकुलर मटेरियल की ये कॉपियां यहां से छपवाई हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नियम ये भी प्रिंटिंग प्रेस को कहता है कि आप बिना परमिशन के कोई मटेरियल ना छापें। यदि आप छापते हैं और परमिशन लेकर के छापते हैं तो उसकी 4 कॉपीज हमारी MCMC कमेटी को कमरा नंबर 302 में जमा करवाएंगे बतौर सैंपल, बतौर एविडेंस।
ये एक तरीके से जो आचार संहिता का देखने के लिए ये कार्य किया गया है। अब एक आता है पेड मीडिया या पेड न्यूज। यदि कोई भी इस तरीके से न्यूज लगाते हुए हमारे संज्ञान में आता है, जहां पेड न्यूज के कोई कंप्लेंट आती है, हमारे यहाँ पर टीम जो एमसीएमसी है वो डेली के अखबारों को स्कैन करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जो खबर है वो सभी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस तरीके से चल रही है, उसको ऊपर भी विजिलेंस हमारी तरफ से रखी जा रही है। ये सारा का सारा जो एक तरीके का बनाया गया है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि हम चुनाव के माहौल को आदर्श आचार संहिता के तहत रखते हुए एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करें, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। दूसरा एक मामला जो है वो है सोशल मीडिया का। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और इस तरीके के हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आज की तारीख में सूचना का आदान प्रदान इधर से उधर, उधर से इधर, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर हो रहा है। हर कैंडिडेट के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी उनके नामांकन पत्रों में दी गई है, जिसके लिए हर उनके व्हाट्सएप अकाउंट के लिए या इस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए हमारे जिले की तरफ से डीपीआरओ साहब को उसमें नोडल ऑफिसर बनाया गया है। डीपीआरओ का जो मोबाइल नंबर है, दैट विल बी दी पार्ट ऑफ दी दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप, और सोशल मीडिया पे जो फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, उसमें आपका जो नंबर है ऐड किया गया है। कोई भी इस तरीके की सूचना सोशल मीडिया पर यदि कोई फैलाता है जिससे चुनाव का माहौल खराब हो सके, किसी एक दो आपस में पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ कोई बात कहे, धर्म के खिलाफ कोई ऐसी बात कहे जिससे माहौल खराब हो, उसका विजिल रखा जा रहा है। यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो हम नोटिस देंगे, इंक्वायरी करेंगे, और यदि सत्य पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। तो ये तो जो पहला मैं आप सभी को बताना चाह रहा था एक तरीके से आदर्श आचार संहिता के पालन के संदर्भ में है। दूसरा है कैंडिडेट्स। सोनीपत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार टोटल 29 कैंडिडेट्स चुनाव में उतरे हैं प्लस एक नोटा, दैट मीन्स नन ऑफ दी अबव, 29 प्लस एक, कुल मिलाकर के टोटल 30 हमारे पास इस तरीके से कैंडिडेट्स बन जाते हैं। वैसे तो कहा जाए तो 29 कैंडिडेट्स हैं जिसके लिए दो बैलेट यूनिट्स लगाई जाएंगी। एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट्स तक आ सकते हैं, तो इस बार जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको दो बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट, ये तो इलेक्शन का मटेरियल जो मशीन वाला मटेरियल है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको अलग अलग तरीके के कई परफॉर्मे होते हैं, स्टेच्यूटरी कागज हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ नॉन स्टेच्यूटरी पेपर्स होते हैं, उन सबको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 5,344 विल बी दी पोलिंग स्टाफ नंबर दैट विल बी कंडक्टिंग दी इलेक्शंस। इट्स ए ह्यूज नंबर। पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए कमीशन की तरफ से विशेष तौर पर बल दिया जाता रहा है। फर्स्ट पायलट ट्रेनिंग पोलिंग स्टाफ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पहले ही कराई जा चुकी है, और अभी आगे भी हम मैक्सिमम जो हमारा एफर्ट रहेगा कमीशन के दिशा निर्देशों के तहत ट्रेनिंग करवाए जाने का, और जितनी बेहतर ट्रेनिंग हमारे स्टाफ की होगी उतना बेहतर चुनाव हो सकेगा, ऐसा हमारा मानना है और पिछले हमारे एक्सपीरियंसेस में भी यही देखा गया है। सो आवर मेन फोकस विल बी नाउ प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्शन मटेरियल एंड द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ व्हिच इज डिप्लॉयड फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन।